So here we have, you know, we can see him. He's wearing India T-shirt. Flexing my chest based India T-shirt. Exactly. So can you introduce yourself? Hi everyone. My name is Aditya, and I am basically from Kolkata. And I have come to Dubai for some work, freelancing work which I do here. And I made sure that I carry this T-shirt while I'm coming here, because I knew that Sagar Bhai and team and Amruta will come here and I will meet them. But I was not sure when to come. So I came today by bunking two of my seminars, and I made sure that I meet them in a less crowded day. And I was lucky enough to meet Sagar Bhai and Amruta. And I am really glad to see them working in person. I mean, it's a great experience to meet them and look at how they work and learn a lot from them. थैंक यू. एंड आप कोलकाता के हो रहे? हाँ. सो आप हमें कोलकाता में तो नहीं मिले थे, क्यों? नहीं, कोलकाता एक्चुअली तब मैं ऑलरेडी दुबई आ गया था, तो जब वो अनाउंस हुआ था तब मेरा ऑलरेडी टिकट था, तो मैं बहुत काफी दिन से आप दुबई में हो बेसिकली. हाँ, मैं आया था सितंबर एंड में. ओके, व्हाट डू यू डू? लाइक एक्चुअली मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए. तो उनका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे प्रमोट करना है, कैसे चैनलाइज करना है, वो करने का है मेरा फ्रीलांसिंग काम है. पहले मैं जॉब करता था परमानेंट, तो मैं कोविड के टाइम में छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को अपना कुछ करना था. फिर मैं घूमता रहता हूँ, व्लॉगिंग करता रहता हूँ, और तो मेरे को चेस के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, और कुछ भी नई चीज़ खाने के बारे में, कोई नई जगह के बारे में, तो मैं घूमता रहता हूँ. जैसे मैं यहाँ पर ग्लोबल विलेज चल रहा है, तो वहाँ पर अलग अलग देश का, जैसे इजिप्ट हो गया, जैसे रशिया हो गया, फिर केनिया हो गया. केनिया में एक स्टोन मिलता है, उसका एक चेस पीस मिलता है, बहुत खूबसूरत होता है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. और यहाँ पे भी एक शायद बुर्ज खलीफा, वो दुबई वाला एक चेस सेट, वो देखने को मेरा मन था लेकिन पता नहीं कैसे देखो. तो वो सब में मेरा इंटरेस्ट है, तो ये करते करते यहाँ पे आके आप लोगों से मिल लिया. गाइस, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ माय इजीएस्ट इंटरव्यू, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट टू नो ही इज़ अ व्लॉगर. सो द वे ही इज़ टॉकिंग, मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना नहीं पड़ रहा है. बट इट इज़ रियली अमेजिंग, बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू यू नो सी द एक्सपो. वर्ल्ड चैम्पियनशिप इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, सो आपने ये जो बताया इट इज़ वेरी नाइस. एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस हियर एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप? यू नो मैग्नस इज़ देयर, नेपो इज़ देयर, एंड टुडे वॉज अ डिसाइसिव गेम which is not easy, you know, to happen. So क्या उसके बारे में बताओगे? Absolutely. पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत lucky हूँ कि जिस दिन आया वो was a winning match, because I am a pro Magnus supporter, and if he is not playing with versus an Indian only, okay. So because I am a pro Vidit first and pro Vishy first, okay. So, but if he is playing any other player, I am always pro Magnus. और यहाँ का जो माहौल है, मतलब मैं कवर कर रहा था, मैंने छोटा छोटा बाइट्स लिया है. आप कहीं भी देखो, कोई भी कॉर्नर देख लो, वहाँ पे चेस की बातें चल रही है, वहाँ पे लोग चेस की मूव्स की बातें कर रहे हैं, अगला मूव क्या हो सकता है, एनालिसिस लोग हर जगह पे बैठ के कर रहे हैं. यहाँ पे विशि सर बैठ के एनालिसिस कर रहे थे, और बाहर लोग बैठ के अपना एनालिसिस कर रहे थे, लोग बोर्ड्स पे पोजिशन देख रहे थे. ये एक जो माहौल है, ये सिर्फ हम लोगों ने फिल्मों में देखा है या तो वेब सीरीज़ में देखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल ऐसा एक चैंपियनशिप मैच, मेरे को अभी भी आज भी याद है, पॉन सैक्रिफाइस बोल के एक फिल्म आई थी जो बॉबी फिशर की, तो वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप था. वहाँ पे क्या कैसे, मतलब हाँ ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन तो नहीं देख पा रहे, लेकिन ये भी एक सीन है जो, मतलब अगर आप खुद से नहीं देखोगे तो नहीं महसूस कर पाओगे. तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम आपके आसपास कहीं भी कोई टूर्नामेंट हो रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच एंड एक्सपीरियंस. ये आपको घर बैठ के कितना भी एनालिसिस देख लो, जितना भी HD, सुपर HD, 4K, जितना भी देख लो, सागर भाई जितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर ले, लेकिन आओ कोई भी एक टूर्नामेंट पे आओ, तो आपका फीलिंग ही चेंज हो जाएगा. वो चेस टूर्नामेंट का एक्चुअल रश, वो जो रश रहता है, कोई भी कहीं भी बैठ के खेल रहा है, आप भी बैठ जाओ खेल लो एक दो मैच, तो वो अलग ही फीलिंग है. क्या बात है, कितना दिल से मज़ा आया. और फाइनली आपका चेस का लेवल क्या है, या आपका चेस के रिलेटेड कैसे कनेक्शन हुआ, लाइक कैन यू टेल अस? अच्छा, तो ये तो एक थोड़ी मेरी वीडियो शायद ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. अरे आप इतना बढ़िया बात कर रहे हो, इसके लिए मैं बड़ी करा रही हूँ. तो 2016-17 में मैं दुबई में ही रहता था, तो अचानक से मैंने चेस खेलना चालू किया ऑनलाइन, क्योंकि बचपन में हम लोग तो ऑफलाइन ही खेलते थे, ऑनलाइन तो कुछ था नहीं. तो तब जब खेल रहा था, तो अचानक से एक दिन सजेशन आया था एगेड मैटर के चैनल का. तो तब एगेड मैटर अपना वीडियोज रिलीज करते थे, तो अचानक से एक दिन एगेड मैटर का कोई वीडियो देख रहा था, अचानक से उसके नीचे आया था चेस बेस इंडिया. 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं.
तो तब से मैं चेस बेस इंडिया को फॉलो कर रहा हूँ, तब से। मुझे आज भी याद है कि चेस बेस इंडिया के एक वीडियो शायद 10 या 20 मिलियन हो गई थी, वो शायद चेस का कोई भी वीडियो का सबसे हाईएस्ट व्यू था। तो मैं वो वीडियो इतना देखा था, और वो शायद टाटा स्टील था, टाटा स्टील का वीडियो था और कोलकाता का था शायद, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो मेरे को वो वीडियो इतना पसंद है, मैंने इतनी बार देखा है, ऐसा सिंपल कवरेज। वहाँ पे लोग कितना कुछ बोलते थे कि बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो मैं उस दिन से आज के दिन तक का चेस बेस का जर्नी देखा हुआ हूँ कि हाँ, अभी हर चीज़ पे एनालिसिस है, बोर्ड है, और जो जर्नी है चेस बेस इंडिया की वो अलग ही है। क्योंकि मैं सागर भाई को तब से फॉलो कर रहा हूँ, अमृता तो हमारे साथ आफ्टर लॉकडाउन, थैंक्स टू लॉकडाउन, हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता था कि बैक ऑफ द हाउस क्या कैसे मैनेज होता है, तो कि फ्रंट ऑफ द हाउस सागर भाई हम लोगों को आके इतना अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। और अगर एक लास्ट बात बोल के ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर आपको कभी भी पता चले कि सागर और अमृता कोई टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं, तो आ जाओ अपनी आंखों से देखो द हार्डवर्क दैट गोज इन टू अ सिंगल वीडियो, द हार्डवर्क दैट गोज ऑन टू फाइंडिंग समवन, आस्किंग देम क्वेश्चंस सो रैंडमली, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं भी बहुत इंटरव्यूज करता हूँ रैंडम लोगों के, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते, मेरे दिमाग में मुझे नहीं पता कि सामने वाले को क्या क्वेश्चन करूँ, लेकिन इन लोगों का काम ही अलग है। मैंने एक छोटा छोटा क्लिप्स बनाया, मैं तो बनाऊंगा सागर भाई पे वीडियो, सागर भाई मना करे, सागर भाई मेरे को बोल रहे थे कि उसमें वीडियोज़ नहीं आएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे चेस बेस इंडिया 2017 से देखा है, तब सागर भाई केयर नहीं करते थे व्यूज़ के, तब सागर भाई कंटेंट देते थे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। आज जाके वो सक्सेसफुल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि चेस बेस इंडिया और 5-6-10 साल में और ऊपर जाए और हम लोग को और अच्छा कंटेंट मिले। अरे थैंक यू, इट्स वेरी रेयर दैट वी फाइंड पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग अस सिंस 2016-17, एंड गाइज यू आई विल पुट अ लिंक इन ऑफ हिज व्लॉग लेटर इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट एंड ऑल्सो ऑफ हिज चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमृता, थैंक यू।